हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। आज है मंडे, आज है रुद्राभिषेक की पूजा। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मुझे साड़ी पहनना बाकी है, साड़ी पहनूंगी। अभी तो मैंने ये सूट डाल लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी पंडित जी वगैरह नहीं आए हैं, आगे तैयारी लगभग लगभग मैंने कर दिया है पंडित जी लोगों के लिए। ये देखिए, ये पूजा के लिए दही वगैरह है, पंडित जी के लिए ये मैं आलू उबाल दूंगी इससे फलाहार बनाने के लिए। अभी मैंने आलू डाल के बस रखा हुआ है, गैस मतलब ऑन नहीं किया है, ऐसे रख दिया है। और नीचे केले हैं, सेब हैं, इधर ये सारी तैयारी हो गई है प्रसाद के लिए भी चढ़ाने के लिए, और पंडित जी सब लेके आएंगे। ये भी रेडी है, अभी रेडी मतलब वो नहीं पहने पूजा वाला, अभी पूजा का ड्रेस पहनना बाकी, पहन लेंगे फिर दिखाते हैं। रेडी होने ही लगा, रेडी होने की प्रोसेस में है। हाँ। हम तो एक मिनट में रेडी होते हैं, इनको तो एक घंटे लग जाएंगे। इतना भी नहीं मेकअप करती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे पूजा होगा। ये क्या रखा है यहाँ पे? ये कच्चा दूध आता है गाय का, जो कि दुग्धाभिषेक होता है भगवान शंकर जी का, तो वो होगा। और यहाँ पे ये आम की लकड़ियाँ हैं जिससे हवन होगा। और यहाँ पे ये चढ़ाने की साड़ी है और सब चीज़ें हैं, वो जो मिट्टी आती है चाक वाली मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनते हैं, वो वाली मिट्टी होती है जिससे शिव जी की शिवलिंग और नंदी दोनों बनेंगे। और बाहर भी बनेंगे। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को दूसरी तरफ से आके तैयारियाँ हैं। चलो चलो बाहर भी दिखाती हूँ, तैयारी जोरों शोरों पे है। शाम का सबका खाना है दाल, नहीं बाटी चोखा ना, दाल बाटी चोखा। चप्पल नहीं पहनी है तो इधर टेंट वगैरह लगने लग गया है, यहाँ टेंट लगाने लग गए हैं, चेयर वगैरह आ गई हैं। और दूसरे यहाँ वाले इधर वाले घर में यहाँ म्यूजिक सिस्टम सब लग गया है, दूसरे वाले घर में। ये देखिए आप लोग दिखा दीजिए, बर्तन वगैरह आ गया है, खाना बनाने की तैयारी चल रही है, सब खाना बनाएंगे वहाँ पे। पत्नी नमस्ते, आप बताइए कितने साल का खाना बनाने का एक्सपीरियंस है आपका? 22-23 साल बस। आज आज यहाँ की इज्जत आपके ही हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिस्टर कैटरर से हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और किसी को भी खाने से संबंधित कार्य के लिए जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम करें, फंक्शन करें, तो मिस्टर कैटरर्स को याद करें, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। तो भाई साहब आज खाना बनाएंगे, इनके खाना सबको शाम को मिलने वाला है, दाल बाटी और चोखा है ना। हाँ ठीक है, दाल चावल बाटी चोखा। अच्छा, चावल भी बनेगा, मूंग का हलवा भी देंगे। हाँ? आज के मेन्यू में, आज के मेन्यू में है हाँ? दाल भात चावल बाटी चोखा और मूंग का हलवा। क्या बात, ये खिलाएंगे हमारे मिस्टर जी। बाटी भी जो इनको कंडी पे भुनी हुई, चोखा भी कंडी पे भुना हुआ, मतलब कड़ा कर वो फ्राई किया हुआ नहीं है। हाँ, कंडे की बाटी बढ़िया, वही टेस्टी भी लगती है। तो इधर ये भी तैयारी हो गई है, यहाँ पे ये भी रेडी है सब बनाने के लिए। यहाँ हमारी पूजा के लिए भी सारी सामग्री लगभग सब कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पीढ़ा है, पाटा जिसको बोलते हैं लकड़ी का, इसके ऊपर ही नवग्रह बनता है, तो बन जाएगा तो दिखाऊंगी। और ये मैं बैठने के लिए हमने थोड़ा सा ऊंचा रख दिया है जिससे परेशानी नहीं हो। और ये है मैट, जो कि मैट लगा दूंगी। तो और मिठाइयाँ वगैरह ये फ्रिज के ऊपर रख दिया है, इतनी चीटियाँ हैं यहाँ पे ना, आउटर है थोड़ा सा ना, तो ये मिठाई वगैरह ये फ्रिज के ऊपर रख दिया है जिससे कि चीटियाँ न पहुँचे। लगभग लगभग तैयारियाँ पूरी हैं, अब बस पंडित जी के आने की देरी है, वो आ जाए तो फिर वो तैयार करेंगे, शिवलिंग बनाएंगे, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है, शिवलिंग बनाएंगे, नंदी जी बनाएंगे, शिव पूरा सब तैयार करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस उसके बाद फिर साड़ी पहनूंगी, साड़ी मैं ये वाली साड़ी देखो रख ली हूँ, दिखाती हूँ, पिंक कलर की ये साड़ी है जिसको मैं पहनूंगी। बीबू का ये कुर्ता और पजामा है, और डॉक्टर साहब का भी ये है, ये इसको पहनेंगे, उनका भी येलो कलर का कुर्ता है ये वाला।
बस रेनू मम्मी सब आने वाली हैं थोड़ी ही देर में, अभी बस जो थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ, फिर मिलाती हूँ सबसे आप सभी को। अभी तो मेरा बाल नहीं सूखा है, धो लिया था, गीला है, तैयार होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पंडित जी भी हमारे आ गए हैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ है। अच्छा उधर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आ रहे हैं पंडित जी भी, हम दोनों खड़े हैं स्वागत के लिए। उनको पानी वगैरह पिला दें फिर वो अपना काम करेंगे। हमारे पंडित जी आ गए हैं, सबसे पहले स्वागत है आप सब, आ जाइए प्रणाम। हाँ उतार दीजिए, ये वाला खोलो, यहाँ पे इस वाले कमरे में रखी हूँ पूजा का सारा। ऐसे चलिए चाहे वैसे चलिए, आ जाइए थोड़ा सा ऐसे, ये दरवाजा इधर तरफ खुलता होगा, नहीं तो इधर से चल जाइए, इधर चले। हाँ 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 दरवाजा इधर से है ना। उधर दोनों दरवाजे एक साथ खोलते हैं दिक्कत होती है। चाय पानी पानी पिए, चाय मिठाई ठीक। तैयारियां होने लग गई हैं, ये नवग्रह के लिए तैयारी हो रही है ना, ना मनीष जी, नवग्रह के लिए उधर और सब सारी चीज़ें पंडित जी को पता है क्या क्या करना है, वो सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रखा गया है, रेत के ऊपर वो मटका रखा जाएगा ना। हाँ ये मटका रखने के लिए, फूल माला कलश स्थापना, मटका कह रही हूँ कलश स्थापना, तो हमने अपने बैठने के लिए बिछा लिया है, पंडित जी के लिए उधर बिछा दिया है, सारी तैयारी हो गई है। रंग लग गया है डॉक्टर साहब के, बढ़िया रंग लगा दे दो तुम। ये मिट्टी बना रहे हैं शिवलिंग, शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी बनने लग गए, दिया कर लिया, अब बन जाए तो फिर दिखाती हूँ। पंडित जी शिवलिंग बनाने के लिए यहाँ मिट्टी मतलब शिवलिंग बनाने जा रहे हैं और नंदी जी बनाते हैं, और इधर नवग्रह बन गया है। अब मैं चलती हूँ, रंग लगवा लेती हूँ मैं भी, ये पूरे घर में लाल लाल होने वाला है। अच्छा तो मैं भी लीजिए रंग लगवा लेती हूँ, गुदगुदी लगती है हाँ पैर में। मेरे भी रंग लग रहा है, अब लग जाए। ऊपर बैठा हुआ है, मम्मी आ गई, रेनू आ गई, पापा लेटे हुए हैं, तो चलिए अभी दिखाते हैं। शिवलिंग बन गए हैं, उनको अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, शिवलिंग बना दिया है पंडित जी ने, आप लोगों को दिखाती हूँ।
वही रखे बात हो इसके नीचे रखना पड़ेगा थोड़ा ना रखे नीचे मोबाइल बंद कर दे स्विच ऑफ नहीं वो साइलेंट कर दो जनरेटर तो एसी चल रहा है ना Thank you.
Thank you.
तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद उनको मिला है। बारंबार प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। भोलेनाथ से विनती है, भोलेनाथ इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये बच्चे मिलते कहाँ हैं आपस में, कभी तो मिले हैं। हमें तो डर लग रहा है कहीं विभू रोने लग जाए, अभी सब जाने लग जाए तो ओ गार्गी के मजा। ए खाना खा लिए तुम सब लोग? पूजा हो गया, यहाँ से सब सब कुछ हट गया, अभी एक चीज बाकी है विसर्जन का, देखो कैसे हो पाता है। और बाहर सब खा पी के जा चुके हैं लगभग, और बदमाशी की खेला यहाँ पे, बाहर भी ऊपर ऐसे सजाया हुआ था। ये है यहाँ पे तरीके सजाया था। अभी कुछ लोग खाना खा रहे हैं, अब भोजन ये लोग करके फिर अब सामान आ गए हैं लेने के लिए, निकलने वाले हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ, पूरा रुद्राभिषेक की पूजा अच्छे से हुई, सबको भोजन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। यहाँ पे अभी सब कर भी रहे हैं, अभी कुछ लोग, सब बहुत ही बढ़िया से हो गया। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। हो ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।